हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो सीएस स्टूडेंट के लिए है जो कि न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में है और जो अपना ईडीपी ऑनलाइन ईडीपी जो कि 15 डेज का है वो करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन ईडीपी को कैसे एक्सेस करना है, वीडियोस कैसे देखने हैं, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, उसे अपलोड कैसे करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब आप अपने ऑनलाइन ईडीपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के विद इन 48 आवर्स के बाद आपके पास एक मेल आएगा जिसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होगा कि आपको ईडीपी कैसे करना है, कौन से लिंक पे आपको क्लिक करना है, कौन सी वेबसाइट से आपको अपना वीडियो एक्सेस करने हैं, सर्टिफिकेट कैसे अपलोड होगा, आपकी लॉगिन आईडी क्या होगी, आपका पासवर्ड क्या होगा। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे पास एक मेल आया था जिसमें एक अटैचमेंट आई थी और मेल में मेरे को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिला था। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका लॉगिन आईडी होगी, जो आपका लिंक होगा, वो आपको इस मेल में आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो ये जो है लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपको जो लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो आपकी लॉगिन आईडी जो होगी वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसमें से आप सारे स्लैश हटा देंगे और उसके एंड में @icsi.edu ऐड कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपसे वो पासवर्ड ही पूछेगा। पासवर्ड आपका फर्स्ट टाइम का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड learn@1234 होगा जिसमें आपका एल जो है वो कैप्स में होगा, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे TCS की साइट में, जहाँ से ये आपका कोलैब है ICSI के साथ, जहाँ से पूरा आपका 15 डे CDP कंप्लीट करेंगे, तो आपको ऐसी स्क्रीन लॉगिन में शो होगी जिसमें आपको ऊपर यूज़र नेम है अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर @icsi.edu डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर से सारे स्लैश हटा देने हैं। उसके बाद पासवर्ड जो आपको डिफ़ॉल्ट आपको बताया था learn@1234 डालना है और लॉगिन करना है, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। रीसेट मीन्स आपको अपना एक न्यू पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा जिससे आप आगे फ्यूचर में लॉगिन करेंगे अपना 15 डेज पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम आप सबसे पहले जो आपको ब्लैंक मिलेगा उस पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है learn@1234। उसके बाद जो दो नीचे आपको ब्लैंक दिख रहे हैं उसमें आपको अपना न्यू पासवर्ड डालना है और दूसरे वाले में पासवर्ड कन्फर्म करना है और उसके बाद कन्फर्म ग्रीन बटन पर क्लिक कर देना है। सो मैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ऑलरेडी अपना लॉगिन कर चुकी हूँ और ऑलरेडी मैंने कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर बताने के लिए साइट में लेके चलती हूँ कि इसे कैसे करना है। सो हम जा रहे हैं गूगल में, गूगल बाबा में। तो यहाँ पे मैं गूगल बाबा में चली गई और मैं अब लॉगिन करूँगी मैं गूगल बाबा में भी लॉगिन करके आपको बताती हूँ। आप जाएंगे अपने गूगल में जाके आप क्लिक करेंगे, आप सीधा लिंक से जा सकते हैं। मैं गूगल से लॉगिन करती हूँ। मैं लॉगिन किया, मैंने इसमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाला, मैं ऑलरेडी लॉगिन करके रीसेट कर चुकी हूँ। तो सीधा मुझे कोर्स में ले जाएगा। ये कोर्स में ले जाके आपको ऐसी कुछ स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। कोर्स एनरोल, यहाँ पे 1 लिखा है, कोर्स कंप्लीटेड जिसमें आपका 0 आएगा, सर्टिफिकेट अचीव इसमें भी 0 आएगा और नेक्स्ट तो 0 है क्योंकि आपने कोर्स अभी एनरोल किया है। मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है। उसके बाद आप कोर्स एनरोल में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कोर्स यहाँ पे, जो मेरी स्क्रीन है छोटी सी नज़र आ रही है आपको, ये आपको बड़ी नज़र आएगी और आपको इसमें ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताया होगा कि आपको कैसे एक्सेस करना है। तो आपको लिखा होगा कि आपको पहले पूरा वीडियो देखना है, देखने के बाद आपको उसे मार्क एस रीड करना है। जब आप वीडियो देख लेंगे तो एक ऑप्शन होगा टिक का, उसको आपको क्लिक करना है तो आपका मार्क एस रीड हो जाएगा। आपको सारी वीडियोस देख के बाद आपकी अटेंडेंस जो है 100% होनी चाहिए, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 100% आपका होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो 0% में होगा। हर एक दिन की वीडियो आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको 4% मिलेंगे ईच वीडियो के। आप सारी वीडियो देखेंगे तो यह 100% हो जाएगा। आप जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, इसमें देखिए डेज लिखे हुए हैं, टोटल 15 डेज का कोर्स है। आप एक में क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके अंदर वीडियोस दिखाएगा। जो आप मेरे टिक हैं वो आपके टिक नहीं होंगे। आपको यहाँ पे एक YouTube जैसा आइकन दिखेगा, आपको उसमें क्लिक करना है, वीडियो एक्सेस होगा। वीडियो देखेंगे तो आप उसको मार्क एस रीड करेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो भाई 3-4 वीडियो एक ही दिन में देख लेता हूँ, मेरा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे वीडियो एक दिन का देखेंगे उसके बाद दूसरे दिन का वीडियो एक्सेस करने के लिए आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको वो टाइम जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो एक्सेस कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको टोटल 15 डेज होंगे
और किसी दिन में एक वीडियो होंगे, किसी दिन में आपके एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, और एक किसी दिन में आपके दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कोर्स कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको शो करती हूँ कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैसे होगा। जैसे आपने, जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मार्क इज कंप्लीट, जब आप 15 डेज का पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऐसे मार्क इज कंप्लीट लिखाएगा, और यह प्रोसेस माय रिजल्ट लिखाएगा। तो मैं मार्क इज कंप्लीट में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा शो होगा, यू हैव मार्क दिस कोर्स इज कंप्लीट, ऐसा कुछ शो होगा, और दो न्यू ऑप्शन आ जाएंगे, एक व्यू रिपोर्ट और एक व्यू सर्टिफिकेट। आप व्यू सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको अपने अपना जो आई स्टिमुलेट पोर्टल है उसमें अपनी प्रोफाइल खोलकर, पोर्टल खोलकर उसमें आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपका सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, उसको कैसे अपलोड करना है, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।